फैमिली वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है पूरे 650 ट्विंस राइडर्स के लिए, क्योंकि जब से मैंने ये चैनल खोला है और मतलब जीटी मैं चला रहा हूँ तो काफी लोग की रिक्वेस्ट आती है भाई कि कॉन्टिनेंटल जीटी के जो ब्रेक्स हैं, मतलब जो ब्रेक पैड्स हैं, वो बहुत कॉस्टली हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सीधे हम बात करते हैं तो देखा जाए तो मतलब रॉयल इनफील्ड के वर्कशॉप या सर्विस सेंटर पे स्पेयर पार्ट्स पे आपको ये लगभग 5500 रुपीस का सेट आपको देखने को मिलेगा। लगभग 29 या 2800 का फ्रंट है और 2700 का रेयर ब्रेक पैड्स है जो कि ब्रेम्बो आते हैं ओरिजिनल। तो मेरे पास यहाँ सारे ब्रेक पैड्स रखे हुए हैं जो इसके साथ आते हैं। इसके साथ आते हैं ब्रेम्बो, ब्रेम्बो के मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इस गाड़ी के साथ मिलता है आपको, जो एज अ स्टॉक आपको ये ब्रेम्बो के ब्रेक पैड आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी सर्विस और क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट वही है, प्राइस रेंज लगभग 5500 रुपीस का पड़ता है। तो जो नॉर्मल लोग हैं या जो सर्विस के बाद उनको प्रॉब्लम जाती है कि भाई बहुत कॉस्टली है, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि फ्रंट पे आपके CBR 250R नॉन ABS के भी लग जाते हैं, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकली एकदम सेम है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो स्टॉक होते हैं ना वो होते हैं, मतलब जो ब्रेम्बो के पैड्स हैं वो होते हैं सिरेमिक ब्रेक पैड कहते हैं। क्योंकि यार देखो, इसका 320 mm रोटर पेटल डिस्क है और गाड़ी का वेट भी है इतना, तो कंपनी उस हिसाब से ब्रेक पैड बनाई थी कि गाड़ी उतनी जल्दी रुके। बट CBR इज़ अ लाइट वेट मशीन और जो उसके ब्रेक पैड हैं वो उतनी जल्दी इफेक्टिव, जैसे मैंने उस वीडियो में बोला ही था कि मैं आपको फुल रिव्यू करके मतलब चला के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो जब मैं अभी उत्तराखंड राइड पे जा रहा था, उसके पहले मैंने एक फ्रेंड की बाइक चलाई तो मैंने देखा नहीं भाई, ब्रेकिंग में दिक्कत आ रही है, उतनी जल्दी गाड़ी नहीं रुक रही थी। तो मेरे पास स्टॉक वाले ही ब्रेम्बो पड़े हुए थे तो वापस मैंने लगा दिए थे। तो ये ब्रेम्बो के मतलब मेरे चल चुके हैं लगभग 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया था, फिर भी मैं इसको रख लिया था सेफर साइड, तो इसलिए दिल्ली में ही मैंने चेंज कर दिया था, ब्रेम्बो लगा लिया था। बट अब ब्रेम्बो भी ख़त्म हो गया और CBR का लगाना मुझे है नहीं, तो फिर मेरे पास एक प्रोडक्ट आया LRL मोटर्स से। LRL मोटर्स की वेबसाइट पे मैं गया तो वहाँ मुझे देखने को मिला ये हाई परफॉर्मेंस सिरेमिक ब्रेक पैड जिसकी कॉस्ट लगभग 1000 रुपये ही है फ्रंट और रेयर दोनों की, मतलब आपका 2000 रुपये का सेट देखने को मिल जाएगा। तो मतलब देखा जाए तो 2000 रुपये के सेट में आपको ये ब्रेक पैड्स देखने को मिल जाएंगे। आपको अगर इसकी क्वालिटी दिखाऊं तो क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लग रही है ब्रेम्बो के मुकाबले। बाकी अब चला के देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या सही रहता है। तो इसका अगर आपको मैं क्लोजअप लुक दिखाऊं तो दिखाता हूं कि भाई ये क्लोजअप दिखने में कैसा है। ऑलराइट गाइस, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो ये ऐसा कुछ आया है विसराह हाई परफॉर्मेंस, अब ये विसराह बोलेंगे या विसराह बोलेंगे और प्रोनाउंसिएशन आप देखिएगा। तो हाई परफॉर्मेंस सिरेमिक ब्रेक पैड्स, तो किस किस बाइक में लग सकता है ये? तो ये बाइक में लग सकता है फोकस, हाँ, तो ये आपको होंडा CBR 250R में लग सकता है, हार्ले में लग सकता है फ्रंट में, और रेयर में BMW R1250 में लग सकता है, KTM के एंड्यूरो R690 में लग सकता है फ्रंट में, और रेयर में थंडरबर्ड ट्रायम के। सो ये है जो मैंने अभी मंगाया है। तो फ्रंट के ये हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये विसरा के सिरेमिक ब्रेक पैड हैं और ये हैं हमारे CBR 250R के। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं बाइबर के ओरिजिनल हैं, बट इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं थी, गाड़ी उतनी जल्दी नहीं रुक रही थी। और ये ओरिजिनल कंपनी के हैं ब्रेम्बो के, तो जो कि बहुत बेस्ट क्वालिटी थे और काफ़ी सर्विस दिए। तो अभी तो ये देखो एकदम ख़त्म हो चुका है, तो इससे ज़्यादा तो मैं इसको चलाऊंगा नहीं क्योंकि ये अब डिस्क भी डैमेज कर रहा है। और ये अभी देखो पूरा बचा था फिर भी मैंने निकाल दिया, और ये अभी इतनी विड्थ में न्यू आया है। तो ये 1000 रुपीज़ का मुझे पड़ा और ये मुझे 850 का पड़ा था CBR का, और ये लगभग आपको पड़ेगा 2900 का कंपनी में स्पेयर पार्ट्स में। तो देखते हैं अब इसको इंस्टॉल करते हैं ये दोनों को, फिर देखते हैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस क्या कैसी रहती है, क्योंकि ब्रेक पैड चेंज करना है और अब चेंज करने का वक्त आ गया है। तो इसको अब चेंज करते हैं और देखते हैं कि इसकी इससे बेटर है या इसकी सिरेमिक ब्रेक पैड ओरिजिनल स्टॉक बाइक के बराबर परफॉर्मेंस देते हैं
ब्रेम्बो के बराबर कि नहीं, तो लेट्स चेक इट आउट, क्योंकि ये इससे लगभग हाफ से भी ज़्यादा कम है, ये 3000 का आसपास पड़ता है, ये आपको 1000 रुपीज़ में पड़ जाएगा। तो देखते हैं ब्रेकिंग में, जो मेन इफेक्टिव तो हम ब्रेकिंग के लिए कर रहे हैं, कॉस्टली नहीं है, चीप है, बट कहीं ब्रेकिंग में भी चीप ना हो जाए इसकी तरह, तो लेट्स चेक आउट, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये पिन निकालनी पड़ेगी, यहाँ से पिन से धक्का मार के आप निकाल देंगे, तो जो कि मैंने सारी चीज़ निकाल ली है, और इसके अंदर जो पिस्टन है इसको दबा के एकदम साइड कर लेंगे ताकि लगाने में आसानी हो। मैं तो इसको खोलता नहीं हूँ, डायरेक्ट लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट इंस्टॉल करते हैं हम इसको, और कोई ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है भाई, अपना पैसा लगा है, तो लेट्स चेक इट आउट। हाय कर दो सीजी क्लब को हाय कर दो। पहले नीचे बैठो गूगी, ट्रिक्स दिखाओ सेट। अरे स्पीक नहीं, सेट। नीचे बैठो सेट। ये वेरी गुड गर्ल, शेक हैंड, वेरी गुड। ओ खेलेगी मेरे साथ। चलो भाई ब्रेक पैड चेंज करने दोगे? नहीं, बाद में खेलना, ये मेरी टी शर्ट पहनी हुई है पता है आप लोग को गाइस। चलो भाई फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद ये दोनों लग गया, आप देख सकते हैं ये ऐसा ब्रेक पैड अपन ने डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे ये चीज, उस साइड से यहाँ आएगी, तो इस साइड से अगर डालेंगे ये देखिए, अब उस साइड से ठोक देंगे तो ये इस साइड आ जाएगी, फिर हम एक क्लिप लगा देते हैं, फिर पंपिंग करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो हमने एक क्लिप भी लगा दी है, अब क्लिप को ठोक देते हैं। अब क्लिप भी लग गई है, ब्रेक पैड अच्छे से परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है भाई, दोनों साइड दोनों जगह से दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो ब्रेक पैड भी यहाँ से एकदम परफेक्ट लग चुका है। तो अब ब्रेक्स का प्रेशर दबाते हैं, ये आ गया भाई परफेक्ट, तो बहुत ही इजीली लग चुका है बिना वो सेटअप को पूरा प्रॉपर खोले, और गाड़ी भी एकदम चमचमा रही है। तो चलिए अब इसको गाड़ी को मैं टेस्ट करता हूँ कि कैसा ब्रेकिंग है, और पल्सर को तो भाई हम रखेंगे, कभी ट्रिप में काम आ जाएगा अगर मेक श्योर कहीं ख़राब हुआ तो, सेफ्टी के लिए। ब्रेम्बो तो है ही, अब उसका निधन हो चुका है, और अब चलो गाड़ी को चलाते हैं। ऑल गाइस, तो अभी मैं टेस्ट करके आया हूँ भाई GT, और भाई ब्रेकिंग जैसा सोचा था उससे तो बेटर ही आ रही है यार। अभी जो मैंने ब्रेम्बो लगाया था तो वो तो ख़त्म ही हो गया था, बट फिर भी बहुत बहुत अच्छी ब्रेकिंग आ रही है, और वो आवाज़ भी आना स्टार्ट हो गई जो चुर्र करते हैं ना ब्रेक मारते, जो बहुत प्लीजिंग लगता है, तो वो साउंड भी गाड़ी में आने लगा, और ब्रेकिंग सही में बहुत अच्छी हो गई है। तो आप ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ब्रेक पैड का पूरा इन्फॉर्मेशन, तो आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। 1000 रुपये का है, 990 रुपीज़ का आई गेस, और शिपिंग के साथ ही 1000 के कम में ही पड़ गया था मुझे तो, अभी ऑफर में 900 प्लस 90 रुपये शिपिंग चार्ज 1000 का पड़ गया था, तो गो फॉर इट यार। मैं तो भाई चलाया, मेरे को परफॉर्मेंस बढ़िया लगी, अभी GoPro कैमरा नहीं है इसलिए मोटो व्लॉग में आपको नहीं दिखा पाया, तो उसके लिए सॉरी, बाकी ये ब्रेक पैड के लिए जा सकते हैं। अब इसका बहुत जल्द 900 रुपीज़ का पीछे का भी है, तो वो भी मंगा के मैं चेकआउट करता हूँ। अभी तो मेरा पल्सर 220 का चल रहा है पीछे का ब्रेक पैड, तो देखते हैं जो सारी चीज़ें हैं, बाकी तो क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ वी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ। That you'll be dead to me.